हाँ तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइव एम टेलीफोन आवर। 10 मिनट नहीं 20 मिनट टेलीफोन सर हाई कॉल कर दिए सर हम मुझे पढ़ाने के लिए 20-24 घंटे में फैन ऑफ कर दिए हम नहीं होगा थोड़ा देर में होगा अभी नहीं टेलोफोरा के बारे में पूछता हूँ। ये कपड़ा है उसके ऊपर चादर जोड़ा हुआ है फिर भी अंदर में कम्बल उम्बल नहीं लगेगा चादर आराम से नहीं बैठ जाएगा इसको ठंडा नहीं लगेगा तो अपना देख खैर चलो सुनो 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 टेलोफोरा के बारे में दो तीन खास बात। पहला एक्सक्लूसिवली मरीन एक ऐसा फाइल है जिसका हर एक मेंबर मरीन है विदाउट एक्सेप्शन कोई ऐसा मेंबर नहीं जो फ्रेश वाटर में मिलता हो ठीक टेलीफोन। दूसरा पॉइंट ये हम बताए हैं जो नमक तुम खाते हो वो नमक मेरे मिले लेकिन उसके बॉडी में नमक तो मिलेगा ठीक है नमक नहीं मिलेगा तो अभी देख हम टॉर्चर कैसे करते हैं कई बार अपने दोस्तों को ऐसे ही मजाक करता है तो इस पर हम ज्ञान देना चालू कर देते हैं अभी तो वैसे ही सुनने वाला हूँ देखो मुश्किल से मछली सर वो भाई अच्छा मछली बनाते मछली है सर आप आग निकालिए आईब्रो भी बना दीजिए कुछ बाकी है खास बात अगर ये समुद्र के पानी में आ रही है हरा पानी अगर ये समुद्र है जैसे बताऊ अगर ये सॉल्ट वाटर है मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सॉल्ट का तो अगर इस मछली के बॉडी में भी सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई नहीं रहेगा तो इसके बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये सिकुड़ के मर जाएगी ठीक है ऑस्मोसिस बिल्कुल ये हाइपोटोनिक और ये हाइपरटोनिक पानी बाहर निकल जाएगा मर जाएगी जो फ्रेश वाटर फिश है तो गंगा नदी में होती है उसमें सॉल्ट कम होता है जो मरीन वाटर उसमें सॉल्ट ज्यादा मिलेगा ठीक है से डॉल्फिन मतलब मरीन से निकाल करके जैसे कोई नदी में हाँ मर जाएगी सर डॉल्फिन मरीन में नहीं नदी में गैंगटिक डॉल्फिन नेशनल फिश ऑफ इंडिया ये तो कौन सा समुद्र में से मारते हैं ऊपर देखे सर हम नाव पे कभी रहते स्क्रीन चला के चला लेता है ठीक क्यों हाई होगा नमक तो मैं मुझ से खास ट्राई करूं बस ऐसा नहीं कि पिराना को जिंदा हो तुम पिराना पकड़ना खाने के लिए तुमको खा लेना वैसे मुझे नाम के साथ लग गया बेटा हाँ निकलते हैं ना बस क्लास है वो बता दी बोल रहे सात बच्चा निकलेगा हम कॉल कर देंगे चलो सोच बायोल्यूमिनेशन बायोल्यूमिनेशन मतलब लाइट प्रोड्यूस करते सारा सारा रोशनी नहीं इन सभी के शरीर से रोशनी निकलता है हाँ सारे में एग्जाम्पल एग्जाम्पल
यहाँ नहीं दिए थे, बता क्योंकि बायोल्यूमिनेशन जुगनू में भी होता है, केमिकल रिएक्शन से होता है, उसमें से केमिकल निकलता है लूसीफेरिन जो कि एयर में आने पे ऑक्सीडाइज होता है, उससे जलता है, ठीक है, वो आग दिखता है, वो जब पेट के अंदर ना रहते हैं उसमें बाहर निकलता है, बाहर ही हम बोले उसके बॉडी से बाहर केमिकल निकलता है और वो केमिकल हवा में निकलते के साथ जलता है, तो लगता है कि उसके शरीर से लाइट निकल रहा है, बट एक्चुअली उसके शरीर से लाइट नहीं, केमिकल निकलता है जो बाहर जाके जाता है। सर तो ग्रीन की होता है, रेड की ग्रीन भी तो नहीं है, बारिश तो नहीं आएगा, कहा गया उस प्रोसेस को, उसको किस तरह का टाइम जो बार बार चेंज होते रहता है, कभी 11 बजे मिला रहता है, कभी 3 बजे मिला रहता है, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे करके उसको बोलता है, ऐसे ना हो पाएगा हमसे तेजी, कोई बात ना। अच्छा जो भी सर तीसरा ये स्मॉलेस्ट फाइलम है, कैसा फाइलम है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फाइलम एनिमल किंगडम का, ये सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा फाइलम वहां पर नहीं पहुंचेगा, आर्थ्रोपोडा सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का, सब खा पर आ गए, ठीक है। इनका कॉमन नेम है कॉम्ब जेली या सी वॉलनट, एक मिनट है कॉमन नेम, कॉम जेली एंड या और सी वॉलनट, माइनेट, ये पहले नाइजीरिया का पार्ट था, बाद में इसको अलग किया गया नाइजीरिया से, क्योंकि इनमें नाइजीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है, तो नाइजीरिया क्या, तो था भी क्यों नाइजीरिया में, पहले उनको साइंटिस्ट लोगों को आइडिया नहीं था, इसलिए था, बाद में पता चला कि इन लोगों में नहीं होता है, फिर हटा दिया, मतलब ये खतरनाक नहीं, इसमें होता ही नहीं, नाइट बस तो खतरनाक है, ठीक है। इनमें दो खास बात होता है, टॉक्सिक नहीं रहता है, इसके कारण क्या है, होता ही नहीं, वो टॉक्सिक नहीं रहा, खत्म हो तो हो गया, मजा ले रहा होगा, सुन रहा होगा तो मजा ही ले रहा होगा, बोरिंग बात थोड़ा ना हो रहा था, उन लोग तो और सोच रहा होगा, चलो हम लोग वही क्लास करते हैं, कौन पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन देम, स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन देम, ठीक है, इनके बॉडी में एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टैटोसिस्ट, जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता, नहीं, डिवॉइड मतलब होता है लैक, लैक लाइक साइटोप्लाज्म, इसका बी ए, ठीक है, नंबर आता है जो है सब साफ, यही 7-8 पॉइंट रटना है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन ओनली बाई सेक्सुअल मीन, क्या ऐसे लिखो, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट
मनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन, बस बस वो लिख लेते हैं एक पॉइंट और बना लिख लो। नहीं नहीं क्या डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर सब पूरा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो यही में से पूछेगा, नीट में पूछेगा, नीट में पूछने के लिए सिर्फ यही टॉपिक है जो पूछेगा हर एक पॉइंट बस बोर्ड में तो पूछे बोर्ड में नहीं है ट्वेल्थ में होगा ना सर मैं नहीं पूछेगा अब उसके अलावा देखो हम जो ऐसे लिखवा रहे हैं ना शॉर्टकट में उसको एनसीईआरटी में रीड करना है, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। इनमें एट कॉम्प्लेट होता देखो तुझे हवा है एट कॉम्प्लेट आर प्रेजेंट देख लो तो लिखो लिख लो एट कॉम्प्लेट आर प्रेजेंट बाल झाड़ने के लिए नहीं अभी बात अपने बोल रहे अपने बोल रहे क्या क्या बोल मेरा काम बहुत तेज है कॉम्प्लेक्स क्या है बता देते हैं सर हेडवे ये लोग को मोशन में हेल्प करता है सर पकड़ लीजिए लेग पीस आगे जाने यही सर लिख लो लोगों से तो भूल जाओ हेल्प से लोगों को एग्जांपल लिखो लियोरो ब्रांडिया एंड टेकोटा और उसको लिख दो यार अरे सर वहां हेल्प नहीं लो छापने में मैंने तेज छापे बात है बस और चाहिए नहीं ब्रांकिया एंड टेनोप्लाना हो गया एक पॉइंट और लिखो फर्स्ट डायोशियस फिर तुम क्या हो डायोशियस मनोशियस यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस बाइसेक्सुअल नो डायोशियस ही लिखो पूछेगा वही डायोशियस चलिए ब्रैकेट में लिखेंगे दे आर डायोशियस सिर्फ डायोशियस कॉमा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट डायोशियस मतलब समझ गए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट कोई मीडियम क्या ना सर प्रोडक्शन कोई मीडियम के सहारे में तो दूसरा प्रोडक्शन होता है जैसे कि एयर हो गया पॉलिटिक्स एंड पैसेजेस पानी में भी होता है पानी में भी कोई मीडियम इतना बार सुन लिए छोड़ देता है चला जाता है कभी नहीं आता मैं जानता है पर एक चीज हुआ है इसके साथ बनाए देते सर आपको अच्छा क्या छोड़ देता है कहाँ छोड़ देता है मेडक छोड़ देता है अच्छा ऐसा पूछे अच्छा बायो क्लास क्लास के बाद देखते हैं सर कितना ज्यादा ट्यूटी है आयो पढ़ रहे हैं
भाई बहुत पी ले रहा लड़का डायोलिसिस ठीक है। ये लास्ट पॉइंट हाँ, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को अंडरलाइन करके लिख सकते हो, लिख लो कि डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज। सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड के बाद बस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन डालिए प्लैटियल मेंटेस दस मिनट पढ़ना ही पढ़ना पढ़ने के क्या रहा नहीं तो क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा कि हम उसको आज शुरू कर देंगे तो अगले दिन पहले खत्म हो जाएगा फिर आपको अगले दिन दो चैप्टर करना होगा। थर्सडे को प्लैटियल मेथड खत्म करेंगे बस उम्मीद करते हैं एग्जाम में कहानी ना हो। ऑलमोस्ट आप लोग सारे दिन बोलेंगे पौने चार में ही पहुंचना 15 मिनट लेट वो तो आज भी ऐसे पौने चार बोल दिया सर पक्का 4 बजे सर पहुंचेगा स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में यही किया जब पूछ लो लास्ट क्लास में कोई नहीं आया तो अलग बात है आते के साथ शुरू कर दिए एग्जैक्टली टाइम पे बहुत पढ़ाया संडे हाँ तुम शुरू कर दिए पाले ही छोड़ दिए दिखना तुम लेट आए थे संडे को हम पाले पहुंचे हुए थे देखिए आप कभी टाइम में नहीं हो सकते हमको यकीन है आप पे ताला लगा नहीं है सबसे पहले वो पहुंचा था उनको मैसेज किया 15 मिनट पहले आए हो नहीं कॉल किया था कुछ दिन वही हो गया था क्योंकि यहाँ पे माले में 12th क्लास है ट्वेल्थ क्लास किया उसके 10 बाद चलो बायोलॉजी में रिजॉल्व कर टुडे 17 मिनट।